छोटे भरा कुलाब जी आए हुए हैं जिन्होंने सवेर तो ही सारे अफसरों ड्यूटियां लगाई हुई थी तो सारे लोगों के काम बहुत वधिया तरीके किए गए हैं। तो सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल जी, सारे बधाई बहुत बहुत इस कंपनी है। बाई जी उन्होंने भी आना थोड़े ना कम से मीटिंग करके बाई गेमा गुरदेव सिंह गेमा जी उन्होंने भी आना तो सारे स्टाफ मेरा भरा राजकुमार उन्हों की रायमंड कैंप लगे बहुत वधिया जी। लोग सब तो वही गल है जी लोगों को सरकारी स्कीम बारे पता ही नहीं, साड़ी सोच है कि उन्होंने पता लगे ठीक है सरकार की कुछ कर रही है उन्होंने पॉलिसीज की ने। पहला तो इदा सी कि सरकारी पॉलिसीज आ गई लोगों तक नहीं सी जाए मतलब लोगों तक पहुँचाने का काम कर ही नहीं सी। साडा तां ही है कि सब नूं जिन्ने लोग ने पब्लिक वालों जिहड़ा एरिए लोग रहिंदे ने असीं हर जगह महीने च दो चार कैंपां असीं लाउंदे हां उत्थे सारा स्टाफ इकट्ठा हुंदा ते लोगों नूं जागरूक करदे हां कि इह सरकारी स्कीमां ने उहनां दा लाभ लो तुसीं। ते दूसरिआं दी हैल्थ एजुकेशन सब तो जरूरी चीज़ा ने। आम आदमी पार्टी का कॉन्सैप्ट ही है भी एजुकेशन हैल्थ के ऊपर काम करना तो उसी तरीके का असं लगे हुए सर। बस बाई जी होरी भी आने के गेमा नैन मई के सारे कुछ हो गया तो मेरा भरा राजकुमार जी का बड़ा अच्छा अरेजमेंट किया लंगर पानी तैयार किया है प्रॉपर पानी सारी रल मिल के सारे जिन्ना भी साढ़े भरा ने कल एक बंद का तो कम है जिन्ना भी होंगे रल मिल के सारे सहयोग न बंदा एम एल ए बनता है सरपंच बनता है कोई प्रोग्राम कराने तो सब पिंड का ही सहयोग सर जिमें लग नहीं रहा भी साढ़े जे पिंड की पंचायत सवेरे 9-10 बजे तो कैंप शुरू होया जी ये कल सरपंच साहब हाजिर ने जी मैनू लगता जी तुम छोटी भी जिम्मेवारी बनती एम एल ए साहब की जी जिसे पंचायत असि लोग जो इलैक्शन आदि ने दारू पिला के जो कुछ करके वो लोगों को वोटा ले लेंगे जी। अज 75 साल हो गए लोगों को अज भी लाइना भी लेके अपनी स्कीम मंग रहे हैं सरकार की जिम्मेवारी दी इसी करके तो सर मैं पहला दसा क्लीयर किया कि लोगों को पहला इस चीज़ बारे पता ही नहीं सी भी सरकार पब्लिकली की कुछ कर रही है की नवी नवी स्कीम लैके आ रही असी प्रॉपर उस स्कीम असं चाहते हैं कि पब्लिक के लैके आइए पब्लिक को पता लगे कि मच्छी पालन जोड़ा कि अच्छी मच्छियाँ पाल रहे हैं तो उस बेनीफिट की है सरकार वो किस तरीके मदद कर रही है सारा हर एक चीज़ है सरकारी स्कीम बुढ़ापा पेंशन है जो कोई नहीं कोई नहीं सर एक बंदा है जी ये लवे 3 घर यह जे पाए हुए थी लोगों ने जिन्हें कि घर बेच के वग गए अज तक ये पिंड के 30 साल हो गए किसी आम आदमी कहते कांग्रेसी बंदे ने ये घर तक नहीं गया कहते जो तुम जाओगे अच्छ देखोगे तो घर दस की गल उधर मूँह करके पोलिटिकल प्रेशर का तो कोई गल नहीं किसी का घर कोई भी है उसका घर रिप्रजेंट नहीं सारी सरकार साल हो गया बनी साल प्रॉपर जो दो बल्ले प्लाट किन्ने किन्ने लगे वो भी प्रॉपर कर रहे हैं जिन्ना भी असं जो पक्के घर सी एम साहब ने भी अनाउंस किया है जिदा मकान कच्चा है सरकार उन्होंने पक्के करके देगी सरकार की जिम्मेदारी लगे हुए सर एम एल ए साहब आ रहे हैं हूँ आ रहे हैं अद्धे घंटे अभी सारी पूरी टीम जा रही है तो उन्होंने चो नहीं है कि भाई वोटा पाई है दुआरे आम लोग देखो ना कले कले को जा रहे हैं सर एक होर मुद्दा है जी जिमें मान लो अभी कैंडीडेट ला लेंगे सानू सानू नहीं पता होंगे भी कि कैंडीडेट वधिया काम करता है जो कि पिंडा तक लोगों तक जिम्मे अच्छे गए सर छोटे अज तो पहला एक साल बाद ध्यान से नहीं आया होना भी घर बनते थे गंद पे क्या आया जी सर बहुत सारी इदा की गल् ने जो पुरानी जिम्मे 10 साल पहला हुई 5 साल पहला हो गई ने कोई लड़ाई झगड़े इदा दे बहुत सारे पुराने जोड़े लोगों उम्मीद ही नहीं कि हल होने के नहीं होने इस करके बड़े बड़े पुराने मुद्दे लोग लैके आ रहे सर कोशिश यही है कि हर एक समस्या सर जिमें एक मिनट सर एक मिनट
ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟ ਬੈਂਕ ਆ ਨੇ ਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਏਆਰ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਲੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਠੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 2 ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਂਪਲ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚਰਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਐਨ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਮਾਜਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 1,10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਸੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੇਜਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ਕਾਰ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਕੈਂਪ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਬਾਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ